अगर वो इस चीज़ को सुन रहे हैं या उनसे मुतल्लिका लोग सुन रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली इसको मुझे कराची में कहीं लगाने के लिए मुझे हेल्प करें। अच्छा नान, अभी आपने बात भी कर दी, सिटी नाज़िम के हवाले से भी बात कर दी, आपने ये भी कहा कि हर तरह का वक्त आपने देखा है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हुकूमत से आप चाहते हैं कि अब हों या आपकी हेल्प की जाए? सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर करूँ, जिस चीज़ के लिए मैं बहुत बेचैन था कि मैं आवाम तक उस मैसेज को पहुँचाऊँ, मेरी सारी रिसर्च बेस कर रही है अवामी मसाइल के ऊपर। ठीक है, मेरा पूरा एक चार्टर है इस वक्त मेरे सामने, आप अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं पहले उसको मैं थोड़ा सा मैं बताऊं। सबसे बड़ा मसला सब जानते हैं, बिजली की लोड शेडिंग। ठीक है, उससे कोई नहीं बचा हुआ है। मैंने इस 3D को अपने यानी रिसर्च में भी इन्वॉल्व किया, मैंने एक ऐसा इंजन डिज़ाइन किया है जिसमें किसी फ्यूल की ज़रूरत नहीं है, और मुझे अल्लाह पे भरोसा है कि अगर मुझे इस पे काम करने दिया जाए, इसलिए मेरे अपने पर्सन, मैं आपको क्लियर करूं कि इस वक्त मैं जितने भी काम कर रहा हूं मैं ट्यूशंस पढ़ा के कर रहा हूं, मेरी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। ठीक है, बाज़ोकात ऐसा होता है कि महीनों मुझे इंतज़ार करना पड़ता है कि मेरे पास इतने फंड्स होंगे तो मैं जाऊँ, मेरी तो जन्नत है शेरशाह और कबाड़ी मार्केट, वहाँ से उठाऊँ चीज़ें और उसके ऊपर रिसर्च करूँ। बाज़ोकात नाकामी भी होती है, कामयाबी भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरी पहली प्रायोरिटी है कि जो मैंने इंजन डिज़ाइन किया है वो इंशाल्लाह इतनी पावर जनरेट करेगा कि आप अगर उसके 3 से 4 यूनिट लगा दें तो आपके केसी का फ्यूल ख़रीदने का मसला हल हो जाएगा, इवन के छोटी इंडस्ट्रीज़ के हवाले से भी इस चीज़ को। और मैं मीडिया के हवाले से, आपके हवाले से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया, ये प्लेटफॉर्म, लेके मैं फैसलाबाद की इंडस्ट्री और मजदूरों के घर में बुझते हुए चूल्हे नहीं देख सकता। अच्छा, सिर्फ एक चीज है वही है यहाँ पर कि अगर KESC ने आपका वो मॉडल नहीं लिया तो हमारे लिए एक जनरेटर बना दीजिए जिसमें फ्यूल की जरूरत ना हो। अच्छा, इसके अलावा आप अपना चार्टर बता दें क्योंकि सेगमेंट का काम। ओके, मैं मुख्तसरन आपको बता रहा हूँ, एक ऐसी गाड़ी जो पानी से चलेगी, एक ऐसी बाइक जो कि सबसे पहले डबल सवारी की जद में गरीब आवाम आती है, एक ऐसी बाइक जिसको आप जब चाहें गाड़ी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिहाजा और उस मैंने उसमें दोनों पहलू रखे हुए हैं कि उसमें जब वो गाड़ी में कन्वर्ट हो जाएगी तो खुदा ना खास्ता उससे फायरिंग नहीं हो सकती, लिहाजा कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला नहीं होगा, खासकर वो बच्चे जो 5-5 लोग आगे पीछे बैठा के अपनी लाइफ को रिस्क में लेते हैं और बहुत कम खर्चे में, एक चीज़ ये है। और उसके बाद जो है ये मैं कायदे आज़म के ऊपर मूवी बना रहा हूँ, 3D एनिमेटेड, जो अभी आपने फरीद की वो देखिए, इसमें कायदे आज़म भी हमारे साथ होंगे। ओके, और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे मुल्क के जितने बड़े लीडर्स हैं वो सारे के सारे इसमें 3D फॉर्म में मौजूद हूँ, और ये बड़ी डिफरेंट स्टोरी के साथ मैं उसको सामने लेके आ रहा हूँ। मैं मुझे इसके स्पॉन्सर की तलाश है, अगर कोई सुन रहा है भाई तो प्लीज़ मुझे रब्ता कीजिए। अच्छा, उसके बाद मैं एक एजुकेशनल पैकेज डिज़ाइन कर रहा हूँ, उसका काफ़ी काम मैंने कर लिया है। बच्चों को फिल्मी डायलॉग बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, मगर साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में वो रट्टा लगा रहे होते हैं, फर्रे। आप लोगों ने तो पिछले दिनों बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरीज दिखाई हैं और मेरा दिल खून के आंसू होता है कि जब मेरे कौम के बच्चे इस किस्म की हरकतें, चीप हरकतों में जो है वो अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि वो सिर्फ एक CD देखनी होगी उन्हें, वो 9th और मैट्रिक, इसलिए यही हमारी बेस है। और उनको पढ़ाई में फिर कोई मसला नहीं होगा, उनको किसी ट्यूशन सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद है एक ऐसा जल्दी से बिल्कुल हाँ एक ऐसा बेडरूम सेट जिसमें आपको कमरे में AC चलाने की ज़रूरत नहीं है, और आपके जो घर का फ्रिज है वो यूज़ हो जाएगा, वो रात में आपका खाना भी ठंडा कर रहा होगा, और आपका कमरा नहीं बेडरूम, आपका बेड, ओनली बेड, इसलिए कि सारी रात नींद में किसी को वॉकिंग की आदत नहीं। नॉन ऑन दैट वेरी, थैंक यू सो मच ऑन दैट वेरी इंटरेस्टिंग एंड होपफुल नोट, वी विश यू ऑल द बेस्ट, एंड इफ एनीबडी इज लिसनिंग आउट देयर लेट्स गेट सम फंड्स फॉर दिस। यू जॉइंड अस, हमें अब हमारे सेगमेंट प्राउड पाकिस्तान में, थैंक यू सो मच। एक छोटी सी थैंक यू, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट साहब से अपील करता हूँ कि मुझे फंड्स प्रोवाइड किए जाएं, मैं इस वादे के साथ आपके चैनल से कि मैं 3 साल के अंदर अंदर वो फंड्स मैं वापस करूँगा, इसलिए वो कौम की अमानत होगी। मैं कहीं भागने वाला नहीं, मैं कहीं कुछ नहीं करने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ अपील कर रहा हूँ हुकूमत से, प्राइम मिनिस्टर साहब से स्पेशली, कि मेरी इस अपील को सुने और मुझे जितनी रकम चाहिए किसी गारंटियर को बीच में इन्वॉल्व कर लें, मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को भी इन्वॉल्व करूंगा कि आप प्लीज मेरी इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। सो सॉरी, टाइम बहुत कम था, थैंक यू सो मच। वक्त हो गया है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे हेडलाइंस, स्टे विद अस।